सुर्खियों के नए सीजन में आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज न्यूज़पेपर में बने हुए युक्त धारा के बारे में। क्या है ये और क्यों न्यूज़पेपर में बना है? तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। चलते हैं युक्त धारा की तरफ। देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह ने युक्त धारा जीआईएस आधारित योजना पोर्टल को लॉन्च किया है, और कुछ इस तरीके से भुवन का एक इनिशिएटिव है युक्त धारा। क्या है ये, इसको देखते हैं। तो युक्त धारा जो है वो भुवन के तहत एक नया पोर्टल जारी किया गया हुआ है, जिसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्रदान होगी। मतलब कि मनरेगा में जो भी आपको नए इनिशिएटिव लेने हैं, इसके आधार पर आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि युक्त धारा उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। युक्त धारा जो है एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल है, जो विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, उसके बाद प्रतिबूंद अधिक फसल और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के तहत बनाई गई संपत्ति के भंडारण के रूप में काम करेगा। रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करते हुए फील्ड फोटोग्राफी करेगा। मतलब एक फील्ड के फोटोग्राफी को करके ये नोटिफिकेशन देगा कि आपने जो मनरेगा के थ्रू काम किया है, आपने जो एकीकृत वाटर शेड के ऊपर काम किया है, आपने जो प्रतिबंध आधारित फसल और राष्ट्रीय कृषि विकास की योजना के ऊपर काम किया है, वो कितना सही है, उसका एक जो है ये भूवर के थ्रू क्या करेगा कि फोटोग्राफी करेगा फील्ड का, और उसको सरकार के तक पहुंचाने का काम करेगा। इसमें देखते हैं, इसमें जो है दिया गया नाम बहुत उपयोगी है युक्त धारा का, क्योंकि देखिए युक्त का मतलब होता है योजना, ठीक है, और धारा का मतलब होता है प्रवाह। तो जो योजना बनाई गई है उसको प्रवाह को बढ़ाने के लिए युक्त धारा को शुरू किया गया है, और यह विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के समर्थन में ग्रामीण नियोजन के लिए जी टू जी सेवा को सरकार को साकार करने की दिशा में इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अथक संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। तो इसमें जो इन्वॉल्व है वो आपका इसरो है और ग्रामीण विकास मंत्रालय है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, और को लेकर के युक्त धारा को शुरू किया गया है। यह पोर्टल विश्लेषण उपकरणों के साथ विभिन्न प्रकार के विषयगत परतों, बहुअस्थायी उच्च संकल्प पृथ्वी अवलोकन डेटा को एकत्रित करता है। मतलब कि पूरे एनालाइज करेगा जो भी आपका वर्क चल रहा है उसके ऊपर, और उसको एनालाइज करके किसके पास भेजेगा, तो ये मंत्रालय के पास भेजेगा, और उससे रिलेटेड जो ऑफिसर्स होंगे उसके पास भेजेगा, ठीक है। इसमें ऑनलाइन टूल का उपयोग करके नए कार्यों की पहचान करने की सुविधा दी गई है। मतलब नया कार्य जहाँ पे चल रहा होगा उसमें किस तरीके का टूल यूज किया गया है, जिससे कि इसको बहुत आसानी होगी उसको पहचानने में कि नया कार्य कहाँ पे किया जा रहा है। देखते हैं इसके बाद, यह पोर्टल जो है वो विश्लेषण उपकरण के साथ विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु, बहुअस्थायी उच्च संकल्प पृथ्वी अवलोकन डेटा को एकत्रित करेगा, जो कि हम लोगों ने पहले देख लिया है। यह योजनाकार विभिन्न योजनाओं के तहत पिछली संपत्तियों का विश्लेषण करेगा और ऑनलाइन टूल का उपयोग करके नए कार्यों की पहचान की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। तैयार की गई योजनाओं का मूल्यांकन राज्य के विभागों के अधीन प्रयुक्त पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, और इस प्रकार युक्त धारा आधारित योजनाएं जमीनी स्तर के पदाधिकारियों द्वारा तैयार की जाएगी और प्रासंगिकता के संसाधन आवंटन के लिए प्रयुक्त अधिकारी द्वारा स्थापित किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक डेटा को भी बनाया जाएगा, जो कि आपका युक्त धारा पे अपलोडेड होगा, और युक्त धारा जो है वो अपना वर्क करेगी, जो ग्राउंड लेवल पर फोटोग्राफी होगा उससे, और ये सरकार को जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी कि इस प्रोजेक्ट पर किस तरीके का वर्क किया गया है, ठीक है। यहाँ तक की बातें हैं, तो आई होप युक्त धारा के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस कराया गया। अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।